accused in the murder of Mohammad Akhlaq, who was lynched by a mob in UP's Dadri last year over suspicious consumption of beef, has died in a Delhi hospital while in judicial custody. Robin Akka Ravi had been taken to a hospital 2 days ago after he complained of pain. Doctors say he died of kidney and respiratory failure. The family, on the contrary, alleges foul play. Doctors say he was brought in a very bad condition with kidney failure and high blood sugar level. Robin's family alleges he was beaten up at the jail where he had been lodged for almost a year. A post-mortem examination will be conducted to determine the cause of death. ऐसा सर कुछ नहीं है, कोई बीमार नहीं था, बिल्कुल स्वस्थ था। कुछ ना बिल्कुल ठीक है, मैं कुछ दिन पहले मिला ही करके आया हूँ, बिल्कुल ठीक है, पता नहीं क्या होगा एकदम ही। उसको टॉर्चर किया गया है उसके जेलर ने, एक मोमडन परिवार का बच्चा था, वो नहाने के लिए गया, तो जब दिखता नहीं हम ऐसा करके नहाते उसने कहा भाई तुझे इधर हो जा, बराबर इधर हो जा, बोला नहीं होता, वो चुपट गया मोमडन, उसने कहा साले तुझे मैं मारू तुझे कर रहा, बस इतनी सी बात थी। इसके ऊपर जेल प्रशासन में एक मोमडन भी, मैंने सुना एक मोमडन भी है हेल्पर का, हाँ उन्होंने उसे टॉर्चर करके पिटाई की बच्चों की, नहीं जेल में खाने की व्यवस्था है नहीं कुछ है, और उसने जो रात को उसे डॉक्टर के लेके गया है पुलिस प्रशासन, वो कह रहे दो घंटे रखवाओगे अस्पताल में 2000 दे दो, रात रखोगे 10000 रुपए दे दो, यदि पुलिस प्रशासन के लिए हमारे पास इतने पैसे होते तो आज हमारा भाई जिंदा होता मरता नहीं, सिर्फ पैसे के बल पे नहीं दिए गए तो मर बीमार दवाई। कुछ बीमारी के बारे में कुछ सूचना थी आपके पास? नहीं, आपके पास कोई सूचना ही थी एक दो दिन पहले को जेल प्रशासन से कोई सूचना दी? नहीं, जेल प्रशासन कोई सूचना नहीं है, हमें जेल प्रशासन ने नहीं सूचना दी, हमें जो सूचना दी है रवि के ही परिवार के लोग वहां पर उपस्थित थे, उनके द्वारा ही हमें सूचना मिली है। जब उनकी तारीख थी कोर्ट के अंदर तो उनके माता पिता और अन्य लोग गांव के मिलने गए थे, तो उन्होंने बताया कि 4 लड़कों के साथ झगड़ा हुआ है और 3 लड़कों की भी तबीयत ठीक नहीं है इतनी जो होनी चाहिए, 3 लड़कों की भी तबीयत खराब है और रवि की तबीयत, उन्होंने बार बार यही बताते रहे, हम फोन पर सूचना लेते रहे प्रशासन से कि रवि की तबीयत ठीक नहीं है, सीरियस है सीरियस है, कई दिनों से हमें यही सूचना मिल रही थी। कुछ नहीं कर रहा, उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जा रही, जो हमारे बच्चे पहले भी छूट कर आए हैं उनके भी पैरों के अंदर बहुत अधिक सोजिश है, सूजन है, उन्होंने बताया हमें आके कि हमें जेल के अंदर और जेलर के द्वारा बहुत सारी यातनाएं दी जाती हैं, पीड़ाएं दी जाती हैं, कष्ट दिए जाते हैं।